जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे मित्रों। ये देख रहे हैं आप कानकी मंदिर का ये प्रवेश द्वार है और इसी जिसे हम लोग जो है कानकी मंदिर में प्रवेश करते हैं। और आपको पता होगा कि श्रीमद् भागवत कथा जो है यहाँ पर 7 दिनों का चल रहा है और एक बहुत ही चर्चित मोटिवेशनल स्पीकर यानी कि जया किशोरी जो है यहाँ पर आई हुई है। आप लोग जानते हैं बहुत ही चर्चित श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों का रखा गया है तो ये जो चल रहे। और ये कानकी मंदिर का जो है ये प्रवेश द्वार है, इसी से होकर हम लोग कानकी मंदिर में प्रवेश करते हैं। चलिए दिखाते हैं हम आप लोग, ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए एंड तक। यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं कानकी मंदिर। देखिए बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और ऐसे ही पता होगा श्रीमद् भागवत कथा जो है बहुत ही मतलब लाभान्वित करने वाली कथा है। और ख़ास करके जब इस कथा का जो वक्ता है यानी जया किशोरी जो कि मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर ही कहा जाता है उसे, तो उसी वही जो है इस कथा का वक्ता है, तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। इससे पहले भी यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हुआ है, इस बार के जैसा जो है श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पे कभी नहीं हुआ। इस बार काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हमारे साथ लाइव में एंड तक बने रहिए, हम आपको पूरा लाइव दिखाएंगे। दिन है यानी कि आज जो है लास्ट सेकेंड ये चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा का, आज और कल है, उसके बाद ये श्रीमद् भागवत कथा में समाप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ से प्रवेश द्वार है और इसी से हम लोग एंटर करते हैं, ठीक है। चलिए पूरा जो है लाइव को देखते रहिए हमारे साथ। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कानकी धाम के बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि कानकी धाम मतलब जो आप बोलबम में देखने के लिए जाते हो, बाबा धाम में देखने के लिए जाते हो, उससे भी जो है मतलब उसके जैसा ही खूबसूरती कानकी धाम में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ आकर भी जो है श्याम बाबा का दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के तमाम लीलाओं का यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे ये जो कानकी मंदिर है वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है। मतलब इतना ज़्यादा मतलब भीड़ है वहाँ पे पंडाल में, पंडाल पूरी तरह से भरा हुआ है, बहुत सारे भक्त बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो है कथा लोगों को नहीं मतलब बाहर से ही लोगों को स्क्रीन के द्वारा जो है कथा दिखाया जा रहा है, मतलब वो भी जो है अंदर जा नहीं पाए हैं, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ है।
खोज रहा है प्रभु। अबे ना वो सब में कम बेसी कर लेंगे, बात वो सब क्या टेंशन लेते हैं, बार बार करेंगे ना डिपार्टमेंट नहीं मानेगा, समझे ना। राजा जी मित्र नए नए भारत सोने का, आज लोगों का कहना था बहुत।